उस्मान बे अहमद बे के कातलों को ढूंढते हुए बड़ी मुश्किलात में फंस चुके हैं। उस्मान बे एक तरफ एक मंसूबे में कामयाब होते हैं तो दूसरी तरफ उनके अपने ही उन्हें नाकामी की तरफ धकेल देते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप जो हैं वो आपकी सेहत, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक होगी और आप अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। तो हाज़िर हुआ हूँ आपके सामने कुर्लुस उस्मान के हवाले से एक और बेहतरीन सी वीडियो लेकर। 157 रिलीज़ हो चुका है और आपने देख लिया होगा। तो नेक्स्ट एपिसोड जो 158 आने वाला है उसमें क्या कुछ होगा, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम दोस्त, कुर्लुस उस्मान सीरीज की एक और धमाकेदार किस्त अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है। कुर्लुस उस्मान सीरीज की इख्तिताम को पहुंचने वाली किस्त हर तरह से कामयाब और मुकम्मल थी। दूसरी तरफ नई आने वाली किस्त का ट्रेलर भी नशर कर दिया गया है। ट्रेलर की मुकम्मल कहानी आपके साथ शेयर करने के लिए हम इस वीडियो में हाजिर हैं। उस्मान बे अहमद बे के कातलों को ढूंढते हुए बड़ी मुश्किलात में फंस चुके हैं। उस्मान बे एक तरफ एक मंसूबे में कामयाब होते हैं तो दूसरी तरफ उनके अपने ही उन्हें नाकामी की तरफ धकेल देते हैं। बुरहान बे, जिन्होंने उस्मान बे को बुरी तरह धोखा दिया है, यकीनन बुरहान बे को इसकी जल्दी सजा मिलने वाली थी। ओलझे उस्मान बे के मामलात को पचीदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। ओलझे उस्मान बे की हर कमजोरी का फायदा उठाते हुए उस्मान बे पर वार कर रहा है। ओलझे इब्राहिम बे और याकूब बे को उस्मान बे की कैद से निकालने में कामयाब हुआ है और साथ ही साथ उसने उस्मान बे और उस्मान बे के बहुत से सिपाहियों को शदीद जख्मी भी कर दिया है। धमाके की आड़ में ओलझे के आदमियों ने अपना काम कर दिखाया था और साथ ही बुरहान भी ओलझे के साथ इस हमले में मुलव्वस थे। उस्मान बे ने बुरहान को गद्दारी करते देखा है, जिसके बारे में उस्मान बे ने किसी भी सूरत तवक्का नहीं की थी। बुरहान बे को पकड़कर उस्मान बे के सामने पेश किया गया है और उस्मान बे जिस कदर बुरहान से गुस्सा है ये तो हमने आने वाले ट्रेलर में देख ही लिया है। उस्मान बे बुरहान को क्या सजा देंगे या बुरहान फिर अपनी वफादारी साबित करने में कैसे कामयाब होगा? साथ ही साथ बात करेंगे कि मलका खातून काजी रुकनुद्दीन को कत्ल क्यों करवाना चाहती है। क्या ओलझे काजी को कत्ल करने में कामयाब होगा या उस्मान बे काजी रुकनुद्दीन को बचा लेंगे? होलोफिरा को कुस्तुनतुनिया जाने से रोक लिया गया है, क्या अब उरहान और होलोफिरा की शादी दिखा दी जाएगी? याकूब बे और महमद बे गोंजा खातून को अलाउद्दीन से शादी करने पर क्या सजा देने वाले हैं? बुरहान बे ओलझे को पकड़ने में किस तरह उस्मान बे की मदद करेंगे? मलका खातून इब्राहिम बे और याकूब बे से छुपकर ऐसी क्या गलती करने वाली है जिससे इब्राहिम बे को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा? मंगोलों के बाद अब बाजंतीनियों को सीरीज का हिस्सा कब बनाया जाएगा? दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत से अहम सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। इन सब की तफसील जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। कुर्लुस उस्मान सीरीज की कहानी हर गुजरते दिन के साथ मजीद बेहतर और दिलचस्प होती दिखाई दे रही है। फर्जी वाकयात को खत्म करके तारीखी वाकयात को दिखाना कहानी की दिलचस्पी में और भी इजाफा कर रहा है। बुरहान जो किसी भी सूरत उस्मान बे के साथ गद्दारी नहीं कर सकता था, बस बुरहान बे ने ओलझे का एतमाद जीतने के लिए उसकी मदद की है। सवाल ये पैदा होता है कि अब बुरहान बे उस्मान बे को कैसे यकीन दिलाएंगे कि वो उनके लिए जासूसी करने ओलझे के पास गए थे। अभी बुरहान बे के पास मौजूद खुफिया मालूमात ही बुरहान बे को उस्मान बे के गजब से बचाएगी। ओलझे जिसने अलहानी रियासत के सरबराह को खत लिख दिया है, अलहानी रियासत के सरबराह अलजायतू बड़े लश्कर के साथ इन जमीनों पर आने वाले हैं।
मंगोलों की बड़ी तादाद के इन जमीनों पर आने के बाद एक बड़ी जंग छिड़ जाएगी। बुरान बे जब ये मालूमात उस्मान बे को देंगे तो उस्मान बे को यकीन होगा कि बुरान बे ने गद्दारी नहीं की। जैसा कि उस्मान बे भी जानते हैं कि बुरान बे हर मुश्किल वक्त में खुफिया तरीके से उस्मान बे और उनके बेटों की हिफाजत कर रहे थे। ओलझे के जाल से जंगल में भी अलाउद्दीन को बुरान बे ने बचाया था। फिर भी बुरान बे की दी गई खबर की तस्दीक करने के लिए उस्मान बे जरकोतई को भेजेंगे। उस्मान बे बुरान की खबर पर रद्द अमल जाहिर करते हुए उस कासद को रोकने के लिए जरकोतई को भेजेंगे। कासद को रोककर जो खत कोनिया अलजायतू खान के पास जा रहा था उसे रोक लिया जाएगा, क्योंकि उस्मान बे के पहले ही बॉस से दुश्मन इस सीरीज का हिस्सा बन चुके हैं। इन सारे मुश्किल मामलात में अलजायतू खान का मंगोल नौकरों की बड़ी तादाद के साथ आना उस्मान बे के लिए बड़े खतरे से कम नहीं है। ओलझे के कासद को पकड़ने के बाद उस्मान बे के पास लाया जाएगा, जिससे बुरान बे की बेगुनाही साबित होगी। दूसरी तरफ उस्मान बे अलाउद्दीन के इल्जाम को पाक साफ करने के लिए अहमद बे के कातलों को ढूंढते नजर आ रहे हैं। याकूब बे के मशवरे पर ही उस्मान बे ने अहमद बे के कत्ल का फैसला काजी रुकनुद्दीन के सामने पेश करने का फैसला किया था, लेकिन अब मलका खातून काजी रुकनुद्दीन को ओलझे के हाथों कत्ल करवाना चाहती है। मलका खातून ये नहीं चाहती कि अदालत के सामने ये फैसला पेश किया जाए। मलका खातून इब्राहिम बे को भड़काकर अपने बेटे के कत्ल के बदले अलाउद्दीन का कत्ल करवाना चाहती है। उस्मान बे जानते हैं कि अगर काजी की अदालत के सामने ये फैसला पेश ना किया गया तो बड़ी लड़ाई और बड़ी जंग छिड़ जाएगी। उस्मान बे किसी भी सूरत तुर्क भाइयों को आपस में खून बहाने की इजाजत नहीं देंगे, इसलिए उस्मान बे हर सूरत काजी को बचाने की कोशिश करेंगे और मुमकिना चांसेस ये हैं कि ओलझे काजी को मारने में कामयाब नहीं हो सकेगा, बल्कि जल्द ही ओलझे को उस्मान बे मौत के घाट उतार देंगे, क्योंकि ओलझे की मौत के साथ ही अलजायतू खान और अमीर चौबान की इन जमीनों पर एंट्री होगी। दूसरी तरफ मंगोलों का इन जमीनों पर आने के बाद बाजंतीनियों के इन जमीनों पर आने का बेताबी से इंतजार किया जा रहा है। मैगजे किला के तैकफूर के याकूब बे और इब्राहिम बे के साथ ताल्लुकात का बार बार जिक्र हो रहा है, जिससे एक बात तो वाजे है कि वो वक्त करीब है कि मैगजे किला के तैकफूर की सीरीज में एंट्री करवा दी जाएगी। ऐसा भी मुमकिन है कि आने वाली किस्त में हम मैगजे किला के तैकफूर को सीरीज का हिस्सा बनता देख सकें। साथ ही साथ बात करते हैं कि कोनूर बे को पिछली किस्त में बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया। कोनूर बे इस वक्त किस खुफिया मिशन पर हैं और दोबारा सीरीज का हिस्सा कब बनेंगे? दोस्तों, कोनूर बे और बुरान बे ने एक बड़ा खुफिया मनसूबा बनाया था। पहले तो कोनूर बे अपने तौर पर काम करते दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही दुश्मनों की साजिशों के बारे में कोनूर बे को पता चला तो उन्होंने उस्मान बे की मदद करने का फैसला कर लिया था। एक तरफ तो कोनूर बे इब्राहिम बे का साथ देते दिखाई देंगे, जैसा कि हमने देखा कि बुरान बे अभी ओलझे का साथ दे रहे हैं। बुरान बे और कोनूर बे के खुफिया मिशन को उस्मान बे और उनके सिपाही भी नहीं जानते। बुरान बे और कोनूर बे उस्मान बे की मदद के लिए इस मुश्किल सूरत हाल में फंस चुके हैं। कोनूर बे इब्राहिम बे का साथ देते हुए इब्राहिम बे के इरादों को भांपेंगे और इस तरह कोनूर बे इब्राहिम बे से उस्मान बे के खिलाफ मालूमात इकट्ठी करेंगे। कोनूर बे और बुरान बे के जरिए उस्मान बे दुश्मन के आने वाले कदम को पहले ही समझ लेंगे और यकीनन कोनूर बे और बुरान बे इस मुश्किल सूरत हाल में अपने सरदार को अकेले नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ मैगजे किला के तैकफूर के साथ याकूब बे और इब्राहिम बे इतिहाद कर चुके हैं। उस्मान बे जो इज़निक और बुरसा की शानदार फतुहात से पहले मैगजे किला को हर सूरत फतह करना चाहते हैं। कोनूर बे उस जी नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और यकीनन ड्रामा बहुत हिट पे जा रहा है और आप भी कोई किस्त जो है वो मिस नहीं कर रहे होंगे। ज़रूर देखें और इन्जॉय करें। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो काइंडली लाजमी इसको सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को।
और इस वीडियो को आगे शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़।